Hello guys, welcome to RG Coaching YouTube channel. Number system के part 2 में आप सभी का welcome है. कल हमने 6 question किए थे, आज हम 7th question से शुरू कर रहे हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन है, डिवाइड 37 इनटू टू पार्ट्स सो दैट 5 टाइम्स वन पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर आर टुगेदर 227. हिंदी में बोल रहा हूँ, हमें 37 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि एक पार्ट का 5 टाइम्स और दूसरे पार्ट का 11 टाइम्स को जब हम ऐड करें, हमें आंसर में 227 मिले. मान लेते हैं हमारे पास एक पार्ट x है, सेकंड पार्ट क्या होगा, 37 माइनस x होगा, क्योंकि टोटल जो है वो हमें 37 को ही डिवाइड करना है. तो अब हमें कह रहे हैं कि 5 टाइम्स ऑफ वन पार्ट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ वन पार्ट 5x प्लस 11 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट हमारे पास है 37 माइनस x गिव्स अस 227. ओके, तो यहाँ पे आ गया 5x प्लस 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, 11 से मल्टीप्लाई करने हो तो हमें क्या करना होता है, डिजिट्स को ऐड करना होता है. इसे ऐसे ही लिखना है, इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, 7 और 3 10, 1 कैरी करेंगे, 3 प्लस 1 4, तो 407 आ जाएगा जब आप 11 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 11x इक्वल टू 227. यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 6x, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0. 7 में से 7 0, 10 में से 2 गए 8, तो 3 में से 2 गए 160. माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा 6 से यहाँ पे 3, x इक्वल टू 30. तो एक पार्ट जो है हमारा x है, और सेकंड पार्ट जो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा. 30 और 7 हमारा आंसर होगा, एक पार्ट हमारा 30 है, सेकंड पार्ट हमारा 7 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3, अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 3 हो, लिख लेते हैं, ए माइनस बी अस इक्वल टू 3 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 39, और उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस जो है वो 39 दिया है, हमें लार्ज नंबर बताना है कि कौन सा है. ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 39. ए माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो पुट कर रहे हैं ये 3 के इक्वल है, ए प्लस बी हमारे पास आ गया 3, यहाँ से कैंसिल, तो ए प्लस बी क्या आ गया 13. ए प्लस, अब हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, ए प्लस बी की वैल्यू 13 है, ऐड करेंगे तो 2a हमारे पास आ जाएगा 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 और b की वैल्यू आएगी a माइनस बी मीन्स उधर जाके ये माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5. तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है a जो कि 8 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 8, क्योंकि हमसे बड़ा नंबर पूछा था, अगर छोटा पूछा था तो 5 होता. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोडक्ट the sum and product of two numbers is 11 and 18. हमें the sum of their reciprocals पता करना है. दो numbers का sum दिया है हमें, मान लेते हैं a plus b दिया है हमें 11 और a b जो है वो हमें दिया है 18. हमें reciprocal होता है 1 over number, तो हमें 1 over a plus 1 over b पता करना है. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी प्लस ए, बी प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 11 और ए बी की वैल्यू है 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 ओवर 18. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिविजिबल चेक करना है कि ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है. 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63.
तो यहाँ से 4 की पावर सब में है, तो मैं 4 को जो है वो कॉमन निकाल लेता हूँ। 461 कॉमन आ गया, यहाँ से 461 पूरा का पूरा बाहर गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। 461 बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ 1 पावर बची है। 61 बाहर है तो सिर्फ 1 अंदर है, क्योंकि 62 था तो 4 प्लस यहाँ पे 63 है, 61 ऑलरेडी बाहर है तो अंदर कितने बचा है, 4 की स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 461, 1 प्लस 4 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 61 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर 21 और 21 के सभी फैक्टर्स से डिविजिबल है। जैसे ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 21 से भी, और सॉरी 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल है, और ये और 4 से भी डिविजिबल है। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास ये, इसमें भी हमें यही बताना है कि ये किससे डिविजिबल है। इसे भी सेम वैसे ही करेंगे, इसमें से 3 की पावर 25 को कॉमन निकाल लूँगा, अंदर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा तो 3 होगा, यहाँ की 3 की पावर 2 बचेगा जो कि होता है हमारे पास 9, यहाँ पे 3 की क्यूब बचेगा तो ये हो जाएगा 27। 20 और 27 प्लस 3 30, 9 प्लस 1 10, तो 30 प्लस 10 40, तो ये आ जाएगा 43 की पावर 25 इंटू 40। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये 40 के सभी फैक्टर्स से डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो ये इसके 40 के सभी फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। तो आज के लिए बस इतने, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching.